क्वेश्चन है 4.3 का नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली'स मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स एंड इंग्लिश में दोनों मिला के कितना मार्क्स आ रहा है? 30। तो यदि मैथ्स में एक्स मार्क्स आता होगा तो इंग्लिश में 30 - x हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हैड सी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो यहां पे इसका मीनिंग जो है वो एक्चुअली इफ के साथ होता है, ठीक है। जैसे दिया हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स, मींस क्या हुआ, इफ यदि उनको 2 marks मैथ्स में ज्यादा मिला होता, यदि मैथ्स में उनको 2 marks ज्यादा मिला होता एंड इंग्लिश में 3 marks कम मिला होता तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का होता, 210। तो स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस समझने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। यदि शेफाली को मैथ्स में 2 marks ज्यादा एंड इंग्लिश में 3 marks कम आया होता तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। तो बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में उनके मार्क्स क्या हैं। तो पहले क्या करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट के मार्क्स को सपोज कर लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, तो ये बताइए इंग्लिश में क्या होता। देन मार्क्स इन इंग्लिश बी यस 30 - x माइनस हो जाएगा। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट में मार्क्स का सम 30 है, एक सब्जेक्ट में हम लोग एक्स ले लिए तो दूसरे सब्जेक्ट में हो जाएगा 30 - x मीन्स एक में यदि 20 आया होगा तो दूसरे में 10, 30 - 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में नया मार्क्स क्या है, 2 marks उनको ज्यादा मिल गया, मतलब क्या हुआ x + 2। न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में 30 - x है और इसमें से क्या हुआ 3 marks कम आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग -3 कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 27 - x। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 2 marks आया हुआ है x + 2 एंड 27 - x ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 है। तो अब हमें इसे सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, बन ही जाएगा। देखिए x को 27 के साथ करेंगे तो 27x, फिर x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, ये 54 होगा और ये -2x। देखिए 210 को हम लोग इस साइड पे ले आ रहे हैं तो राइट साइड पे क्या बच जाएगा, यस 0। फिर देखिए कुछ लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं, ये 27x और ये 2x माइनस हो जाएगा और लिखेंगे हम लोग 25x। ये देखिए ये हो जाएगा -x² और ये 54 -210। तो देखिए 210 में से हमें 54 को माइनस करना है तो ये 6 हो जाएगा, दैट मीन्स 156। तो माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, बिकॉज 210 जो है वो लार्जर नंबर है। चलिए समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो x² मेरा टर्म है
वो नेगेटिव में है तो क्यों ना हम लोग माइनस कॉमन ले लें। क्या करेंगे हम लोग? यस, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 25x होगा, प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि इस 156 का हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से कोशिश करते हैं निकालने के लिए, 27 जा 28 जा 239 से और 313 से। तो हमें दो टर्म ढूंढ लेना है जिससे कि 25 आ जाए, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। तो ये देखिए 3 2 6 2 12 हो गया और ये 13, तो 12 एंड 13 का जो प्लस होगा वो 25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो है वो 156 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू यस जीरो। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका तो अब काम नहीं है। आगे देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 13, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस क्या कॉमन हो जाएगा 12। 156 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 13। तो जब x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 12 बच जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। देखिए इस बार क्या है, कोई भी x का वैल्यू नेगेटिव में नहीं है तो रिजेक्ट किसे करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, किसी को भी रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं करने वाले क्या हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि when x इज इक्वल टू 30 देन ये जो 30 माइनस x है वो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 हो गया। एक और केस स्टार्ट कर देते हैं, when x इज इक्वल टू 12 देन 30 माइनस x क्या होगा, 30 माइनस x दैट मीन्स 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो अब जो मार्क्स है वो क्या होगा, 10 मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू, देखिए मैथ्स में जब 13 होगा तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 17। और मार्क्स इन मैथ्स, तो मैथ्स में यदि 12 आ गया तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 18।